गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली पर। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पूरा आपको सॉल्व कराया था। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो पहले हम इसकी कंडीशन, क्वेश्चन सॉल्व करना कराने से पहले हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कि एक मतलब ये यहाँ से कंडीशन आप बताया, फर्स्ट कंडीशन ये बताया, सेकंड ये, थर्ड ये। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे दोनों। जैसे कि ये रेखा ऐसे जाएगी, ये रेखा ऐसे जाएगी, तो बीच में प्रतिच्छेद करेगी। a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, जब a1/a2 का बच्चों मान b1/b2 के बराबर नहीं होगा, तब बच्चों ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये संपाती होंगे। दूसरी क्या बोल रहा है बच्चों, संपाती होंगे। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तीनों के मान बराबर होंगे, तब ये संपाती होंगे, इसकी रेखा सीधे ऐसे निकल जाएंगे। जब तीनों के मान बराबर होंगे तो इसकी रेखा सीधे ऐसे निकल जाएंगे। अगर ग्राफ में आपको दर्शाना हुआ तो इसकी रेखा सीधे, अगर तीनों मान आपको मिल गए ग्राफ में, तीनों ऐसे सीधी रेखा इसकी जाएगी। और तीसरी कंडीशन क्या बोल रही है बच्चों, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, यह समांतर रेखा होंगे। जैसे a1/a2 = b1/b2 दोनों का मान बराबर होंगे, परंतु तीसरी जैसे c1/c2 के मान बराबर नहीं होगा, तो दो रेखाएं जिसे समांतर रेखा इसके समांतर की तरफ जाएंगे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का इसको हम, ये तो ये आपका कंडीशन तीन जो क्वेश्चन में दी हुई थी उसके अनुसार हम तीन कंडीशन लिख लिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट सॉल्व करने से पहले हमें दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखना पड़ेगा, तब हम इसकी तुलना करके क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा। ये a2x + b2y + c2 इक्वल 0, ये समीकरण दो हो जाएंगे, ये समीकरण एक, समीकरण दो। तो ये समीकरण एक का समीकरण एक से तुलना करेंगे, समीकरण दो का व्यापक रूप समीकरण दो से तुलना करेंगे। अब बच्चों हम इसको थोड़ा जो समझाएं इसको हम मिटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। समीकरण एक से तुलना करने पर बच्चों आपको ये तीनों कंडीशन याद रहनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, और ये जो व्यापक रूप है इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप a1/a2 = b1/b2 का मान निकाल पाएंगे। तीनों का मतलब a1, a2, b1, b2, c2 का भी नाम निकाल पाएंगे, मान निकाल पाएंगे। अब इसको हम पहले इसको ऊपर लिख लेते हैं, अगर तुलना करनी है तो इसको पहले हम ऊपर लिख लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में हम आपको समझा रहे हैं पूरी स्टेप बाय स्टेप, अगले क्वेश्चन से हम थोड़ा जल्दी करके सॉल्व करेंगे। a1x + b1y + c1 = 0, ये व्यापक रूप हो गया। अब ये नीचे समीकरण लिखेंगे, 5x - 4y + 8 = 0। a1 का मान क्या निकला, 5, b1 का मान क्या निकला, -4, c1 का क्या है, 8 है, ठीक। अब समीकरण दो से तुलना करने
समीकरण दो का व्यापक रूप लिख लेते हैं, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो। अभी समीकरण दो क्या है, सेवन एक्स प्लस सिक्स बाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। बच्चों इसीलिए हम व्यापक समीकरण ऊपर लिख रहे हैं, समीकरण नीचे लिख लें, जो कि आपको समझने में ए वन ए टू का मान निकालने में आपको आसानी हो, समझने में भी आपको आसानी रहे। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं ए टू क्या है, सेवन है, बी टू क्या है, सिक्स है, और सी टू क्या है, माइनस नाइन है। ठीक बच्चों, अब हम ए वन अपान ए टू निकाल लेते हैं। ए वन अपान, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया ए वन अपान ए टू, बी वन अपान बी टू, सी वन अपान सी टू की तुलना कर ज्ञात करना, मतलब ये व्यापक समीकरण दो चार वाले रैखिक समीकरण था, इसी तुलना करके अब उसको हम निकाल रहे हैं। ए वन ए टू क्या है, ए वन क्या है, ये पाँच है, ए टू क्या है, ये सेवन है, और यहीं पे निकाल लेते हैं बी वन बी टू। बी वन क्या है, बी वन है माइनस फोर, बी टू क्या है, सिक्स। ये देखिए बच्चों, ए वन ए टू बी वन बी टू दोनों इक्वल थोड़ी है, इक्वल नहीं है ना, फर्स्ट वाली कंडीशन इसमें फॉलो होगी। आता है ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल बी वन अपान बी टू, तो इसमें ए वन अपान ए टू कितना है, फाइव बटे सेवन इज नॉट इक्वल माइनस फोर अपान सिक्स, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह है एक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दो हम सॉल्व कराते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं। ये कंडीशन हम लिखी रहने देते हैं क्योंकि आगे भी काम आएगी, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चों से क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, नाइन एक्स प्लस थ्री वाई प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। ये समीकरण आपका एक हो गया। समीकरण दो क्या बोल रहा है, अठारह एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस 24 इक्वल जीरो। ये समीकरण क्या आपको बोल रहा है, दो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में इस समीकरण एक से तुलना था, हम इस समीकरण ऊपर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट समीकरण लिख के हम आपको ए वन ए टू का मान निकाल देते हैं। समीकरण एक से तुलना करने पर तो ए वन का मान क्या है, पहले समीकरण एक लिख लेते हैं, नाइन एक्स प्लस थ्री बाई प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, समीकरण एक हो गया। तो ए वन का मान क्या हो जाएगा, नाइन, बी वन का मान क्या हो जाएगा, थ्री, सी वन का मान क्या हो जाएगा बच्चों, ट्वेल्व। ये निकल गया। आप समीकरण दो का भी मान ऐसे निकाल लेते हैं, समीकरण दो से तुलना करने पर समीकरण दो लिख लेते हैं बच्चों, एटीन एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस 24 इक्वल टू जीरो, समीकरण आपका दो हो जाएगा। तो समीकरण दो में यहाँ पे हम A2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा,
अब बी टू क्या हो जाएगा बच्चों, 6। यहाँ पे सी टू क्या हो जाएगा, 24। अब जैसा कि पिछले मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे ए वन बटे ए टू, बी वन बटे बी टू, सी वन ए वन बटे ए टू, बी वन बटे बी टू निकाले थे, इसमें इसमें भी हम निकालेंगे। तो ए वन बटे ए टू का, ए वन बटे ए टू इक्वल क्या हो जाएगा, ए वन क्या है 9, अब ए टू क्या है 18। तब ये इसे कट रहा है ना, तो इसको हम काट देते हैं, न एक का न दोनी 18, ए वन बटे ए टू का मान क्या हो जाएगा 1/2 आया। जो कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा सेम एट जी वही रहने देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में कट नहीं रहा था तो हम उसको सेम ही रखे थे, इसमें कट रहा तो काट रहे हैं हम। बी वन बी टू, बी वन का मान क्या है 3, बी टू का मान क्या है 6। अब बच्चों देखिए ये भी कट रहा है, 3 × 1 = 3, 2 = 6। अब सी वन बटे सी टू, इसमें देखिए दोनों बराबर है ना, इसलिए हमें और सी वन और सी टू भी निकालना। पिछले क्वेश्चन में दोनों ही नॉट इक्वल हो गए थे, बराबर नहीं थे, इसलिए फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो हो गई थी, इसलिए हम उसको वहीं पर रोक के सी वन बटे सी टू का मान नहीं निकालते थे। इसमें हम फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसलिए हम सी वन बटे सी टू का भी मान निकाल रहे हैं। बच्चों सी वन क्या है 12, सी टू क्या है 24, 12 एक का 12 दो 24, 1/2। आता है बच्चों, इसमें आपको खुद देख के कंडीशन देख के ही आपको पता चल जाएगा कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। इसमें बच्चों सेकंड वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, ए वन ए टू बराबर बी वन, बी टू बराबर सी वन, सी टू बराबर है इसका, इसकी क्या है ए वन ए टू बराबर ए बट 1/2 इसकल टू 1/2 इसकल टू 1/2 इसकल टू 1/2, ये तीनों बराबर हैं ठीक। तो इसलिए ये बच्चों इसलिए का चिन्ह है, आपको पता ही होगा, इतनी बात आप छोटी बात जानते ही होंगे, ये इसलिए का चिन्ह है। अब हम इसमें लिख लेते हैं ए वन बटे ए टू इसकल टू बी वन बटे बी टू इसकल टू सी वन बटे सी टू, यह संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों आपको पूरा ऐसे ही लिखना पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिले, क्योंकि 10th क्लास की है तो थोड़ी थोड़ा इतना बस करके छोड़ नहीं देंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3rd सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या बोला है, 6x - 3y + 10 = 0, समीकरण नंबर ये एक हो गए बच्चों। अब ये 2x - y + 9 = 0, ये समीकरण आपका 2 हो गया। जैसे ही फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, वैसे ही व्यापक समीकरण से 1 और 2 का मान इसमें भी हम निकालेंगे। इसका हल क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से तुलना करने करने पर, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, लिख लेते हैं हम 6x - 3y + 10 = 0, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 में ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 की हम तुलना कर रहे हैं, तो ए वन इक्वल क्या है 6 है, बी वन का मान क्या है -3 है, और सी वन का मान क्या है 10 है ठीक। अब ऐसे हम समीकरण 2 का भी कर लेते हैं, समीकरण 2 से तुलना करने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चों, 2x - y + 9 = 0, ये आपका समीकरण 2 हो गया। इसमें समीकरण 2 का भी a2x + b2y + c2 से तुलना करेंगे, तो
ए टू का मान क्या है, दो हो जाएगा, बी टू का मान क्या है, माइनस क्या, वन। इसमें बच्चों कोई अचर संख्या नहीं दी है, इसमें चार बस बाई है, तो इसमें एक मान लेते हैं इसको, तो माइनस वन है, सी टू बराबर नाइन है। अब इसको हम ए वन अपान ए टू के रूप में लिखते हैं, तो ए वन अपान ए टू इक्वल छः बटे दो है। ये बच्चों कट रहा है ना, दो एक कम दो ताई छः, ए वन अपान ए टू का मान क्या हो जाएगा, तीन आ जाएगा। बी वन अपान बी टू का मान क्या है, बी वन अपान बी टू का मान क्या है, ये बी वन का मान क्या है बच्चों, माइनस थ्री, और बी टू का मान क्या है, माइनस वन। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो बी वन अपान बी टू का मान क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। अब जैसे ये दोनों बराबर हो गए तभी हमें आगे और देखना, सी वन अपान सी टू का भी मान निकालना है। हम सी वन अपान सी टू का भी मान निकाल लेते हैं। सी वन अपान सी टू क्या है, सी वन अपान सी टू क्या है बच्चों, सी वन कितना दिया हुआ है, दस, और सी टू कितना हुआ है, नाइन। देखिए बच्चों ए वन अपान ए टू बी वन अपान बी टू तो बराबर है, पर सी वन अपान सी टू बराबर नहीं है, तो आपकी कंडीशन इसमें कौन सी फॉलो होगी, तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। इसमें हम लिख लेते हैं, आता है ए वन अपान ए टू इक्वल बी वन अपान बी टू इक्वल इज नॉट इक्वल सी वन अपान सी टू। इसमें लिखते हैं थ्री बराबर थ्री इज नॉट इक्वल टेन अपान नाइन के, तो इसमें कंडीशन ये होगी, तीसरी बार लग रही था, इसलिए यह समांतर, इसलिए यह समीकरण समांतर रेखाएं है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीन क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर थ्री हम देखते हैं, अनुपातों ए वन अपान ए टू बी वन अपान बी टू और सी वन अपान सी टू की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। बच्चों जैसे पहले क्वेश्चन में ए वन अपान ए टू निकाले थे, मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन में ए वन अपान ए टू जैसे निकाले थे, वैसे इसमें भी निकालना है, वही सेम कंडीशन इसमें भी दिखाना है। तो हम कंडीशन सेकंड क्वेश्चन में बच्चों बता दी थी, तो हम थर्ड क्वेश्चन में कंडीशन हम नहीं लिख रहे हैं, हम थर्ड क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल 5 है, ठीक। और ये फिर दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल 7 है। बच्चों जैसे व्यापक समीकरण हम लिख लेते हैं आपको बताने के, उसमें व्यापक समीकरण क्या था, a1x प्लस बी वन बाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो था, ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो था। अब देखिए बच्चों समीकरण ये एक हो जाएगा, समीकरण ये दो का, समीकरण एक ये है, समीकरण एक देखिए बच्चों, समीकरण एक समीकरण इस जैसे थोड़ इस जैसे है, इसको इस जैसे बनाना पड़ेगा, इसको हम व्यापक समीकरण जैसे दिया है उसको हमें बनाना पड़ेगा। किसको देखिए बच्चों, 3x प्लस 2y इधर मतलब इस कल्टू में 5 है तो इधर आएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाता, इस कल्टू जीरो, ये आपका समीकरण एक बन गया। अब ये समीकरण दो जो है इसको भी हमें ऐसे ही बनाना है। समीकरण दो क्या है, 2x माइनस 3y उधर 7 प्लस में है तो इधर इस कल्टू के इधर लाएंगे तो 7 माइनस में हो जाएगा, ये
सेवन माइनस इक्वल टू उधर जीरो हो जाएगा समीकरण दो। बच्चों जैसे सेकंड क्वेश्चन में हम समीकरण एक से तुलना करते थे, इस क्वेश्चन भी हम तुलना करेंगे। समीकरण वन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर, तब a1 क्या है? अब पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण एक 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू जीरो, समीकरण नंबर a1 क्या है? 3 है बच्चों। b1 क्या है? इसके सामने क्या है? 2 है। और c1 माइनस 5 है बच्चों। अब हम समीकरण दो को भी ऐसे सॉल्व कर देते हैं। समीकरण दो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर, तो सबसे पहले हम समीकरण दो लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू जीरो, ये आपका समीकरण बच्चों दो हो जाएगा। अब इसको हम तुलना करते हैं। तो a2 बराबर क्या है? दो है बच्चों। ये x सेम ही है। तो b2 बराबर 3 है, माइनस का 3 है, b2 बराबर माइनस का 3 है बच्चों। बच्चों c2 बराबर क्या है? माइनस का 7 है। अब हम यहाँ पे a1 अपन a2 b1 अपन b2 करके, मतलब पहली कंडीशन पहले देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो कंडीशन हम तीनों बताएंगे उस कंडीशन को हम पहले फॉलो करते हैं। तो देखते हैं कौन सी। a1 अपन a2 क्या है? a1 क्या है? 3 है। a2 क्या है? 2 है। b1 अपन b2, तो b1 क्या है? 2 है। b2 क्या है? माइनस 3 है। तो बच्चों देखिए, इसमें a1 अपन a2 b1 अपन b2 दोनों मिल नहीं रहे हैं, कि इन दोनों का मान, ये दोनों का मान बराबर नहीं है ना, इसलिए ये क्या होगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट फॉलो हो रही है। तो आता है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, 3 अपान 2 इज नॉट इक्वल 2 अपान माइनस 3। ठीक, इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्या है समीकरण, क्यों संगत है या संगत है, इसमें हमें क्या बताना है? यह समीकरण संगत है पर अवरोधी है, मतलब मान बराबर नहीं है। संगत तो है पर अवरोधी, मान बराबर इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम पहले व्यापक समीकरण के रूप में इसको बनाना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों क्या था, बना दिया हुआ था, इसमें हमें बनाना पड़ेगा पहले समीकरण। इसको हम कैसे बनाते हैं बच्चों? 2x माइनस 3y, ये इक्वल टू के बाद जो प्लस 8 है, तो इसके आप पहले लाएंगे तो हम क्या होगा, माइनस में हो जाएगा,
इक्वल टू जीरो हो जाएगा, समीकरण ये आपका एक हो गया। अब ऐसे ही समीकरण दो को बना लेते हैं, फोर एक्स माइनस सिक्स बाई इक्वल टू के बाहर है नाइन प्लस में है, इक्वल टू के अंदर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, नाइन इक्वल जीरो, ये आपका समीकरण दो हो गया बच्चों। अब हम तुलना कर लेते हैं, व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। समीकरण एक में ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर पहले हम समीकरण एक लिख लेते हैं, टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, आपका समीकरण एक हो गया बच्चों। अब हम तुलना करते हैं, ए वन बराबर दो आ गया, बी वन बराबर माइनस का थ्री आ गया, सी वन बराबर माइनस का एट आ गया। अब समीकरण दो से समीकरण दो को भी ऐसे हम तुलना करें, समीकरण एक की तरह तुलना करें। समीकरण दो में ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर तो समीकरण पहले हम दो लिख लेते हैं बच्चों, फोर एक्स माइनस सिक्स बाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, तब हम इसको तुलना कर लेते हैं। ए टू बराबर क्या है, फोर है, बी टू बराबर क्या है बच्चों, माइनस का फोर है, ये माइनस का फोर नहीं है बच्चों, माइनस का सिक्स है, ये हम साइन सहित लिखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो भी हम लिखेंगे, सिक्स बस नहीं लिखेंगे नहीं तो आपका मान गलत आ जाएगा। सी टू बराबर माइनस नाइन, अब इसके हम वो कर लेते हैं, ए वन अपान ए टू क्या है बच्चों, ए वन क्या है दो है, ए टू क्या है चार। अब ये देखिए बच्चों कट रहा है, दो एक कम दूनी चार, ये कितना आ गया एक बटे दो, जिसका ए वन अपन ए टू का मान कितना आ गया बच्चों, एक बटे दो आ गया। बी वन अपन बी टू का मान, बी वन कितना है माइनस थ्री, अब बी टू कितना है अपन माइनस सिक्स, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तीन एक कम तीन दो छः, बी वन अपन बी टू का भी मान बच्चों कितना आ गया बटे दो आ गया। हम सी वन अपन सी टू का मान निकाल लेते हैं, सी वन कितना है माइनस का आठ है और सी टू कितना है माइनस का नाइन है। अब ये देखिए बच्चों ए वन अपन ए टू बी वन अपन बी टू तो बराबर है, पर सी वन अपन सी टू बराबर नहीं है, इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो होगी लिखते हैं बच्चों, आता है ए वन अपान ए टू बराबर है बी वन अपान बी टू बराबर इज नॉट इक्वल सी वन अपान सी टू के। इसका एक बट्टे दो बराबर है, एक बट्टे दो बराबर है इज नॉट इक्वल माइनस एट बटे, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा एट बटे नाइन, यहाँ पे आ जाएगा एट बटे नाइन बराबर नहीं है, तो इसमें इसलिए ये क्या होगा समीकरण, उसमें कंडीशन थर्ड इसमें फॉलो हो रही थी, यह क्या होगा असंगत होगा, यह समीकरण यह रैखिक समीकरण असंगत है या असंगत है या विरोधी है, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, थ्री अपॉन टू एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री बाई इक्वल टू सेवन।
अब ये समीकरण एक हो गया। अब समीकरण दो यहाँ पे लिखते हैं, 9x-10y=14, ये होगा समीकरण दो। ये समीकरण व्यापक रूप में नहीं लिखा है, इसको हम समीकरण के व्यापक रूप में जैसे ये लिखा है उसको भी हम समीकरण को बनाएंगे। पहले पिछले क्वेश्चन में आपको बच्चों समीकरण सेम जैसे दिया रहता था उसको हम सीधे लिख लेते थे, इसमें बनाना पड़ेगा तब जाके आपका, फिर जाके हम सॉल्व करेंगे। जैसे समीकरण एक, 3/2 + 5/3 = 7 है। तब हमको 2 और 3 का एलसीएम लेना है। बच्चों हम एलसीएम बताया था ना, 2 और 3 का, इसमें एक्स लिखना भूल गए थे हम बच्चों। इसमें 2 और 3 का एलसीएम लेकर, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 × 2 = 6। तो 2 का भाग पहले 6 में देंगे, 2 × 6 = 6 बचा 3, बचा ना 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9x+। अब 3 का भाग 6 में देंगे, 3 × 2 = 6 बचा कितना बच्चों, 2 का भाग 2 × 5 में करेंगे, 5 × 2 = 10 10y = 7 बचा। ठीक, तो ये 9x + 10y = ये इधर भागे में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 7 × 6 हो जाएगा, 9x + 10y = 42, ये हो गया। अब इसको इधर प्लस में 42 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बच्चों, 9x + 10y - 42 = 0, ये आपका समीकरण फर्स्ट हुआ। अब समीकरण दो देख लेते हैं हम, पहले हम समीकरण दो भी बना लेते हैं। समीकरण दो क्या है, 9x - 10y = 14 दिया गया है। अब इसको हम, ये 14 इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9x - 10y - 14 = 0, ये आपका बच्चों समीकरण दो बन गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। समीकरण एक में a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, तो बच्चों हम समीकरण एक पहले लिख लेते हैं, ये 9x + 10y - 42 = 0 हो जाएगा। इसका a1 = 9, b1 = 10, c1 = -14, ये समीकरण आपका एक था। अब समीकरण दो, समीकरण दो में a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, समीकरण दो क्या है बच्चों, 9x - 10y - 14 = 0, इसको हम, ये आपका समीकरण दो है। इसमें a2 का मान क्या है, 9 है, b2 का मान क्या है, माइनस का 10 है, और c2 का मान क्या है बच्चों, माइनस का 14। ठीक, a1 / a2 क्या है बच्चे, a1 क्या है, 9 है, b1 / a2 क्या है, 9 है, ये कट जाएगा, a1 / a2 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो b1 / b2 का क्या है, 10 है, b1 कितना है, 10,
और बी टू कितना है बच्चों, माइनस 10 है, ये भी बराबर है, ये भी कट जाएगा, पर इसका आंसर आएगा माइनस 1। ठीक, तो ये क्या है, ए वन अपन ए टू बी वन अपन बी टू इक्वल टू नहीं है, क्योंकि ये प्लस में एक है, ये माइनस में एक है। इसको हम लिख लेते हैं, आता है ए वन ए टू बराबर इज नॉट इक्वल बी वन बी टू ए नॉट इक्वल 1 है, आता है यह है रैखिक समीकरण, इसमें बच्चों क्या पूछा गया, संगत संगति है, तो आता है ये आपका आंसर है, आता है रैखिक समीकरण संगत है पर अविरोधी है। लिख देते हैं बच्चों, आपको प्रॉब्लम होगी फिर, इससे अच्छा हम लिख देते हैं, आता है रैखिक समीकरण संगत है पर अविरोधी है, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, पहले हम इसको, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है 5x-3y=11। अब ये क्या है, समीकरण ये एक है, ये समीकरण 2 क्या है, -10x+6y=-22 है। इसको अब हम व्यापक समीकरण के रूप में लिख लेते, क्योंकि व्यापक समीकरण के रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो हल करके हम लिख लेते हैं 5x-3y इधर इक्वल टू के उधर है तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जैसा कि हम और क्वेश्चन में भी बताए थे आपको बच्चों, वैसे ही होगा। ये समीकरण आपका एक तैयार हो गया। अब समीकरण 2 हम बनाते हैं, -10x+6y=-22 है, ये इक्वल टू के बाद -22 है, तो इधर अंदर मतलब इधर लाएंगे इक्वल टू को पहले लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो -10x+6y+22=0, ये आपका समीकरण 2 हो गया बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 में a1x+b1y+c1=0 से तुलना करने पर, समीकरण 1 को यहाँ पे बच्चों को लिख देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 को a1x+b1y+c1=0 से तुलना करने पर, मैं भी लिखती तो कोई वो नहीं था, इसलिए हम इसको को भी लिखते हैं तो कोई वो नहीं। आप समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं 5x-3y-11=0, ये समीकरण 1 है बच्चों। अब इसको हम तुलना करते हैं, a1=5 हो गया बच्चों, b1=-3 हो गया बच्चों, c1=-11 हो गया। ठीक, अब ऐसे हम बच्चों समीकरण 2 को भी निकाल लेते हैं। समीकरण 2 क्या है आपका, 10x+6y+22=0 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया बच्चों। अब समीकरण 2 से भी तुलना करना है बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हम लिखने के लिए भूल गया, यहाँ लिख लेते हैं पहले, समीकरण 2 को a2x+b2y+c2=0 से तुलना करने पर, समीकरण आपका 2 क्या है बच्चों, 10x+6y+
22 = 0 आपका समीकरण 2 है बच्चों। अब इसको हम a2 क्या है माइनस का 10 है, b2 क्या है बच्चों प्लस का 6 है, c2 क्या है 22 है प्लस का। अब इसको हम a1 / a2 निकाल लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है। a1 / a2 क्या है बच्चों, a1 क्या है 5 है, a2 क्या है माइनस का 10 है। अभी बच्चों कट रहा है 5 × 5 = 10, a1 / a2 का मान क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। अब b1 / b2 क्या है, b1 क्या है बच्चों 6, b1 क्या है बच्चों माइनस का 3, ये माइनस 10 था बच्चों ना, ये माइनस के 1/2 आ जाएगा। b1 क्या है माइनस 3, अब b2 क्या है बच्चों 6 है, ये भी कट रहा है 3 × 1 = 3, तो b1 / b2 का मान क्या है माइनस 1/2 आ गया। अब c1 / c2 निकाल लेते हैं, c1 का क्या है माइनस 11 और c2 का क्या है, मतलब c2 क्या है 22 बच्चों, ये भी कट रहा है ये 22, 11 × 11 = 22, c1 / c2 का मान क्या आ गया बच्चों -1/2 आ गया। अब ये तीनों कंडीशन बराबर है, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों हम a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 है, तो -1/2 = -1/2 = -1/2 बराबर है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यह है रैखिक समीकरण संगत है, ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करा चुके हैं आपको, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4/3x + 2y = 8 हो जाएगा, ठीक, ये समीकरण आपका 1 हो गया, समीकरण 2 हो जाएगा 2x + 3y = 12। ये समीकरण के रूप में नहीं दिया है, इसको हम समीकरण के रूप में पहले बना लेते हैं, इसको हल करते हैं। 4/3x + 2y = 8 बच्चों, 2/3 के नीचे 2y के अपन कुछ नीचे कुछ नहीं, जिसको हम 1 मान सकते हैं, जिससे हम फिर एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है बच्चों 3 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, एलसीएम लेने के लिए 1 मान सकते हैं, क्योंकि तब हम इसका 3 का भाग 3 मिले, 3 × 1 = 3, 1 बचा 1 का मल्टीप्लाई कितना इसमें करेंगे 4 में, ये हो जाएगा 4x प्लस 1 का भाग 3 में देंगे तो 1 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा, 3 का मल्टीप्लाई कितने इसमें किसमें करेंगे ऊपर में, 3 × 2 = 6y = 8 आएगा, ठीक। अब इसको हम 4x + 6y, बच्चों ये भाग में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 × 3, 4x + 6y, 8 × 3 = 24, तो 4x + 6y उधर उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा = 0, ये आपका समीकरण 1 बन के तैयार हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, तो समीकरण 1 हम लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे 4x + 6y - 24 = 0। अब हम इसके तुलना करते हैं, a1 = कितना है 4 है,
बी वन बराबर कितना है बच्चों, सिक्स है। सी वन बराबर कितना है बच्चों, माइनस का 24 है। अब हम समीकरण दो को भी वो कर लेते हैं, पहले समीकरण दो को हम बना लेते हैं। 2x प्लस 3 बाई इसकल टू 12, ये इसकल टू की उधर है तो प्लस में, इधर आएगा बच्चों तो माइनस में हो जाएगा। 2x प्लस 3 बाई माइनस 12 इसकल टू 0, ये आपका समीकरण नंबर दो हो जाएगा। तब समीकरण दो को ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इसकल टू 0 से तुलना करने पर ए टू क्या है बच्चों, 2 है, बी टू क्या है बच्चों, 3 है, ये 3 है, और सी टू क्या है बच्चों, माइनस का 12। तब ए वन अपन ए टू निकाल लेते हैं। ए वन अपन ए टू इसकल टू क्या है, ए वन का मान क्या है बच्चों, 4, ए टू का मान क्या है, 2। ये कट रहा है, 2 एक का दूनी, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये आपका ए वन अपन ए टू का मान क्या हो गया, 2 आ गया। बी वन अपन बी टू का मान निकाल लेते हैं। बी वन अपन बी टू कल के बी वन क्या है बच्चों, 6, बी टू क्या है बच्चों, 3, 3 एक कम 3 दो 6, बी वन अपन बी टू का मान कितना आया बच्चों, 2 आया। और सी वन अपन सी टू निकाल लेते हैं। सी वन अपन सी टू, सी वन क्या है माइनस का 24, सी टू क्या है माइनस का 12। ये माइनस 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 कट जाएगा, 12 एक कम 12 दूनी 24, ये आ गया 2। सी वन अपन सी टू का भी मान 2 आ गया। अब इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आता है ए वन अपान ए टू इक्वल बी वन अपान बी टू इक्वल सी वन अपान सी टू, ये 2 बराबर 2 बराबर 2, ये तीनों बराबर हैं। तो यह रैखिक समीकरण संगत संगत है, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके साथ।